डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं फिर से क्लास 12 के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस एक्सरसाइज में मैथ्स में जो एनसीईआरटी बुक को हम लोग फॉलो कर रहे थे उसमें 6.2 एक्सरसाइज का जितना भी थ्योरी था हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था पिछले क्लास में। चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, एक्सरसाइज में कि किस तरह का क्वेश्चन है और हमें उस तरह उसके कैसे सॉल्व करना होगा। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स का वैल्यू 3x+17 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोस्त, जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर रखा है, प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स का वैल्यू दिया है 3x+17, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। कहां पे? तो जहां पे 6.2 का एक्सर थ्योरी को में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इस क्वेश्चन को किए हुए हैं। तो अगर जिन लोगों को ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इसके पिछले वाले वीडियोज में आप जाकर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 2x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि सवाल में क्या दिया हुआ है जरा देखिए, गिवन क्या है गिवन भाई, तो एफ एक्स का वैल्यू ई के पावर 2x है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसका, तो लिखिएगा वी हैव टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है इक्के पावर 2x और इस एफ एक्स में हमें क्या प्रूफ करना है भाई कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो जरा रूल्स नियम को थ्योरी को याद कीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब ना होगा जब एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स पहले हम लोग निकालेंगे और तब चेक आउट करेंगे कि क्या उसका जितना भी वैल्यू है सब वैल्यू 0 से बड़ा है क्या, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, तो ई के पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में, ना ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, इसलिए यहाँ ई के पावर में 2x है तो हम लोग इसको 2x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और नीचे वाला कहां गया, ऊपर। अब इसको dx के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो किस तरह का आया, ई के पावर 2x को 2x के रिस्पेक्ट में ई के पावर क्या बना 2x, ठीक है, इनटू में क्या बना, तो 2x का x के रिस्पेक्ट में 2। तो इस तरीके से सो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आया, तो 2e^2x, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब प्रूफ होगा, जब एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आएगा उसका वैल्यू हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चेकआउट करते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग उसको कैसे चेकआउट करके और बनाते हैं, ठीक है।
तो एफ डैस एक्स का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू ई के पावर 2x, ठीक है। अब चलिए चेक आउट करते हैं, चेक करते हैं कि एफ डैस एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है यहां पर। चलिए तो हम लोग यहां पे चेक करेंगे, चेक एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्स के जगह पे हम लोग कितना, अब चेक चूंकि चेक हम लोग को करना है तो चेक हम कुछ भी वैल्यू रखकर, कुछ भी वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। एक्स का वैल्यू आप जीरो रखिए, एक रखिए, माइनस एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, कितना भी वैल्यू रख लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स का वैल्यू आप जीरो रखिएगा तो एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना होगा, तो जहां एक्स है वहां पर जीरो, यानी टू इंटू ई के पावर टू इंटू जीरो, यानी कि टू इंटू ई के पावर जीरो। और किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो वैल्यू रहता है उसका वैल्यू कितना होता है, वन। दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में जीरो हो गया उसका वैल्यू कितना होता है, वन। और टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू, देख पा रहे होंगे। अब जरा एक्स का वैल्यू, अब चूंकि चेक करना है तो हम चेक कुछ भी कर सकते हैं, तो एट एक्स का वैल्यू -1 ले लिया, एक्स का वैल्यू -1। तो जब एक्स का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो यहां एफ डैश -1 रखेंगे, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -1, तो 2 इंटू ई के पावर बन जाएगा -2, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो e का वैल्यू होता है वो 2.73 समथिंग होता है। देख लीजिएगा, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, e को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 2 गुने e का वैल्यू कितना होता है, 2.73 के पावर -2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1, अगर पावर ऊपर -2 है ना तो नीचे जाएगा तो 2.73 का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा पॉजिटिव वैल्यू, समझ रहे पांच बातों को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चूंकि e का मान कितना है, 2.73 है, होता है e का वैल्यू, e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसका अगर -2 है तो इसको नीचे ले जाके प्लस में 2 कर सकते हैं पावर, और चूंकि अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, ये पक्का बात है, नहीं तो आप अगर विश्वास नहीं है तो आप इसको चेक कर लीजिए। वैसे ही अगर आपको इच्छा है एट x बराबर 2 पे चेक कर लीजिएगा तो आप f डैश 2 निकालिएगा, तो जहां जहां x है वहां 2 रखिएगा, तो 2 इंटू ई के पावर 2x है तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू ई के पावर 4। तो कुछ भी होगा e का वैल्यू अगर रखिएगा उसको 4 बार गुना करके फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहां से आपको एक बात पता चल गया, वो कौन सा बात, वो बात यही है कि जो हम लोगों का एफ डैश एक्स का वैल्यू आ चुका है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ चुका है वो हमेशा क्या होने वाला है, 0 से बड़ा होने वाला है। देखिए इसका वैल्यू 2 आया, 2 भी 0 से बड़ा है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये भी 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 से बड़ा आएगा, ये भी 0 से बड़ा आएगा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है हियर कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। अगर यहां पे कहीं भी 0 भी आ जाता तब हम इक्वल टू लगा देते, लेकिन कहीं भी 0 नहीं आया है, हमेशा 0 से बड़ा आया। तो 0 से बड़ा आया, सो इट इज स्ट्रिक्टली, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, हमें प्रूव्ड करना था, शो करना था, तो हो गया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत सरल है, आसान है, बशर्ते आपके अंदर का विल पावर होना चाहिए कि हाँ उसको चेक करना है, फिर डिसाइड करना है कि एफ डैश का वैल्यू है, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, देन आप चीजों को कर पाएंगे, या प्रूफ करना हो या वैल्यू निकालना हो वो कुछ भी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन और बहुत अहम सवाल होता है ये, अहम इसलिए है क्योंकि
यहां पे जो वैल्यू दिया जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन आप देख पाएंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तीसरा में गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, ठीक है। और वी हैव टू सो दैट, वी हैव टू सो दैट, हमें क्या करना है, सो करना है। कितना सवाल है भाई, तो इसमें तीन सवाल है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। पहला सो क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक के बीच में, तो इन जीरो से पाई बाई टू के बीच में। सबका मीनिंग हम समझाते हैं क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन पाई बाई टू से पाई के बीच में, ठीक है। फिर तीसरा क्या प्रूव करना है, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, नाइदर नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफ एक्स का तो वैल्यू दे दिया भाई, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स, चलो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी हैव टू सो दैट, हमें क्या सो करना है, यहां पे तीन क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसके अंदर का, यानी कि थ्री का ए बी सी करके तीन क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला नंबर में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ मतलब कि सो करना है, और तीनों का अलग अलग आपको प्रूफ करना है, समझ रहे ना बात को, समझ रहे बात को। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी प्रूव करना है, एक ही सवाल दिया हुआ है, बहुत अजीब सवाल है भाई, एक ही सवाल दिया है, इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी प्रूव करना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग भी प्रूव करना है। समझिएगा अच्छे से कि बोल क्या है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, लेकिन कब, तो जो चेक करेंगे ना वैल्यू, क्योंकि हम लोग तो चेक करते हैं तो ना हम लोग उसका वैल्यू डिसाइड करते हैं कि आखिर ये जीरो से बड़ा आ रहा है कि जीरो से छोटा आ रहा है कि जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो चेक करने के लिए वैल्यू लेंगे वो जीरो से लेकर 90 के बीच में लेना होगा, ध्यान दीजिएगा बातों को जो बोल रहे हैं। यहां पे जो आप चेक करने के लिए वैल्यू लेते हैं ना अपने से कुछ भी, वो चीजें अब अपने मन से नहीं चलेगा, अब जीरो से पाई बाई टू के बीच चलेगा, क्योंकि सवाल वैसा ही बोला है कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, लेकिन कब, जीरो से पाई बाई टू के बीच। आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब प्रूव करना है, कब प्रूव करना है, पाई बाई टू से पाई के बीच। और तीसरा प्रूफ करना है, सो करना है कि न ही इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आया, कि न ही वो बढ़ रहा होता है और न ही घट रहा होता है, यानी कि कब से कब के बीच, तो जीरो से पाई के बीच। इसका मतलब कि इस कंडीशन में बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा, समझ रहे ना चीजों को। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको जो सॉल्यूशन करेंगे नाउ, अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले भाई, क्योंकि एफ डैश एक्स में तो ये ना वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब इतना चीज करने के बाद अब आपको अलग अलग तरीके का सवाल आपके सामने है। अब हम नंबर वन से चलेंगे, नंबर वन के लिए चेक करेंगे, समझ में आ रहा है, नंबर ए के लिए चेक करेंगे, तो एट एक्स
का वैल्यू कितना लेंगे, एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, तो जीरो से लेकर पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, समझ रहे ना बातों को, तो जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में आपको लेना है एक्स का वैल्यू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए। तो हम एट एक्स बराबर कितना लिए फिलहाल, तो एक्स बराबर लगभग 30 डिग्री लिया, ठीक है, क्योंकि जीरो से 90 दिया है तो हम 30 ले लिया उसके बीच में। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, तो एफ डैश एक्स का मतलब एक्स के जगह पे कितना 30, तो एफ डैश 30 डिग्री कितना हो गया, एफ डैश 30 तो कोस 30, क्यों कोस 30 डिग्री, क्योंकि एक्स यहां है तो यहां रखना है, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश 30, एक्स के जगह पे 30 लिया तो यहां पे भी कोस 30 हुआ, और कोस 30 का वैल्यू पता है ना कितना होता है, √3/2, तो ये भी तो पॉजिटिव वैल्यू हो गया ना, पॉजिटिव वैल्यू हो गया यानी कि जीरो से बड़ा हो गया। अब एक और वैल्यू आपको विश्वास नहीं है, चेक करने के लिए ले लो भाई, अब की 45 डिग्री ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल बोल रहा था जीरो से 90 के बीच में लेने के लिए, मैंने कितना ले लिया 45 डिग्री, उसके बीच में आता है। तो अब जो आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अब कितना बनेगा, एफ डैश 45 डिग्री, और जहां जहां एक्स है वहां 45 रखेंगे तो कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 का वैल्यू कितना होगा, जैसा आप जानते हैं 1/√2 होता है, और ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब भी विश्वास नहीं हो रहा भाई, तो जीरो से 90 के बीच में, कोई बोलेगा सर जीरो और 90 के बीच में 15 भी तो होता है, 28 भी तो होता है, भाई आप 28 ले सकते हो, लेकिन आप 28 लोगे तो कोस 28 का वैल्यू तुम्हें तो याद नहीं, होता ही नहीं है, समझ में आ रहा, तो वैसा ही चीज लेंगे जिससे हम लोग कोस का मान आसानी से लिख सकते हैं। आप 28 डिग्री भी ले सकते हो, 35 डिग्री भी ले सकते हो, 31, 31.5 भी ले सकते हो, लेकिन कोस 31.5 का वैल्यू नॉट फाइन, याद नहीं है, नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग उसको छोड़ देंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री लेंगे क्योंकि जीरो से लेकर 60 सिर्फ जीरो से 90 के बीच में 60 आता है। तो अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहां एफ डैश 60 डिग्री बनेगा, और यहां पे कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दोस्तों 1/2, ये भी क्या है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है। आप देख पा रहे होंगे कि पहला वाला सवाल में जो भी एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स का मान निकला है सब क्या है, जीरो से बड़ा है, बराबर तो नहीं आया भाई, कहीं बराबर नहीं आया, तो बराबर नहीं आया तो यहां पर लिख दीजिएगा हियर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो से क्या रहे, बड़ा रहे, और जब जीरो से बड़ा रहे तो फिर लिख दीजिएगा कि सो इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कितना से कितना के बीच में, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, इन जीरो पाई बाई टू, ठीक है, उसके नीचे लिख दीजिएगा, इस चूंकि लैंग्वेज है तो लिखना पड़ता है। अब चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले के सवाल को चेक करते हैं, तो इधर से हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि अब ए नंबर सवाल के बजाय अब इसको हम लोग बी बना देंगे, आप इसको इसी में नहीं सुधारिएगा, इसको बनाने के बाद नीचे बी वाला का ध्यान दीजिएगा। तो एफ डैश एक्स तो वही का वही रहेगा, अब की बार जो चेक करना है वो 90 से लेकर 120 के बीच में चेक करना है, 90 से लेकर 120 के बीच में, तो 90 से लेकर 120 के बीच में चेक करना है, तो हम कहां कहां क्या क्या वैल्यू चेक कर सकते हैं, जरा देखिए यहां पे मिटा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी अलग वैल्यू हो जाएगा और यहां पे वैल्यू अलग हो जाएगा, ठीक है, ये हम खाली कर दिए यहां पे, ताकि दूसरे कंडीशन क्या बोल रहा था, दूसरा ये बोल रहा था
कि दूसरा में हमें प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दूसरा में क्या प्रूफ करना था? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए कब से कब तक चेक करना होगा? तो पाई बाई टू से लेकर पाई के बीच में, यानी कि समझ पा रहे होंगे पाई बाई टू कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, और पाई कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री, देख पा रहे होंगे। तो इसमें पाई बाई टू के बाद, यानी कि 90 और 180 के बाद, कौन कौन से एंगल पे, डिग्री पे आप चेक कर सकते हैं? तो 90 और 180 के बीच में 120 आता है पक्का, 90 और 180 के बीच में 120 आता है, फिर 150 भी तो आता है, चलो दो ही पे चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और 120 100, और तो कुछ पे नहीं, 0 23 होता है, 45 होता है, 60, फिर 90, फिर कितना, तो 120 और फिर इधर 150, चलो दो ही पे चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे, ऐसा नहीं है 160 पे भी चेक कर सकते हैं, 160 पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 160 का फिर वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगा, कॉस 160 रखने पे, इसीलिए चलो दो ही पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो दो पे चेक करते हैं हम लोग, तो कौन कौन से पे, 120 और 150 पे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश 120 लिखना पड़ेगा और कॉस 120, ठीक है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो कॉस 120 का वैल्यू जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पे जो आपको आएगा वैल्यू वो कितना आएगा, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा -1/2 आएगा, देख लेना अच्छा से, कोस 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2, तो ये किसका वैल्यू हो गया, माइनस वैल्यू, ठीक है, माइनस वैल्यू हो गया। अब एक्स का वैल्यू हम 150 पे चेक करेंगे, तो यहां पे एफ डैश 150 निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश 150 का मतलब कोस 150, तो कोस 150 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो इसका वैल्यू देख लेना होता कितना है, इसका वैल्यू होता है -√3/2, ठीक है, कोस 150 का वैल्यू होता है -√3/2, और ये वैल्यू हो जाता है माइनस। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इसके बीच में और भी नंबर, कई नंबर ले सकते हो, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन दो ही ऐसा था जो हम लोग आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते थे, और हम लोगों को यहां से पता चल गया कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब कि 0 से छोटा आ रहा है, बराबर भी नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि कभी 0 के बराबर आया नहीं, तो इसलिए यहां पे लिखेगा हियर, यहां पे क्या पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से सिर्फ छोटा आ रहा है, इक्वल तो कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां पे लिख दीजिएगा सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू और पाई के बीच में, ठीक है। चलिए एक और दिखा हुआ है सी नंबर, उसको भी चेक कर लेते हैं। सी वाले में क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा, क्योंकि मामला यहां पे ये है ना कि हमें तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए तो चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है, प्रूफ करने के लिए तो चेक करना पड़ेगा। अब तीसरा वाले में क्या बोल रहा है कि हमको जो लेना है वो 0 से पाई के बीच में लेना है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में लेना है, तो 0 से 180 के बीच में क्या क्या ले सकते हैं, तो हम एगो तो 150 भी ले सकते हैं भाई, और एगो तो 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 0 से
180 के बीच में ही कोई वैल्यू लेना है तो हम चेक करने के लिए 60 भी ले सकते, 90 भी ले सकते, 120 भी ले सकते, 150 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। हम 60 और 150 लिए हुए हैं, तो 60 पे F60 और F-60 का मतलब cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना, तो जी हां देख पा रहे होंगे कितना, 1/2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि तीसरा वाला सवाल में एक पॉजिटिव भी आ जा रहा है, निगेटिव भी आ जा रहा है, तो यहां से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान यही लगा सकते हैं कि हियर F-X जो है वो 0 से बड़ा भी हो जा रहा है एंड F-X जो है 0 से छोटा भी हो जा रहा है। देखिए माइनस जब चेक किए इतना इतना के बीच में तो पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है, तो यहां से 0 से बड़ा भी आ रहा है, 0 से छोटा भी आ रहा है, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि न ही ये बढ़ रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा के तीन क्वेश्चंस को बारी बारी से इसको सवाल लिखी था, लेकिन हमें अलग अलग चीजें प्रूव करनी थी। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझे होंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन इज कुछ ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल। सवाल क्या बोल रहा है, इंटरवल निकालो, और इंटरवल का मतलब हम लोग सीखे हुए हैं ना, इनक्वालिटीज का रूल कल याद भी करवाए थे, कुछ हम उसका रूल्स था वो भी हम बताए थे, वही चीज आज यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे यूज करना है। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है, विच द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सबसे पहली बात यह है तीसरा सवाल में कि गिवन fx का वैल्यू क्या दिया है भाई, तो fx का वैल्यू दे दिया 2x² - 3x। अब इसका जो इंटरवल निकालना है वो दो सवाल के लिए निकालना है, पहला बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, और अब आप जब भी लिखेंगे तो SI नहीं लिखिएगा, इसका पूरा नाम लिखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा दिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये सवाल दिया है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहला हमें क्या निकालना है सवाल में, तो इंटरवल निकालना है। तो जब कभी भी इंटरवल निकालने के लिए बोलेगा, फाइंड मतलब निकालना, ज्ञात करना, ठीक है, तो जब कभी भी अगर आपको इंटरवल निकालना होगा तो जो दिया गया फंक्शन है वो पहला सवाल बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकालो, और दूसरा बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए निकालो। ठीक है, क्या निकालो, इंटरवल का वैल्यू, इंटरवल का मान। तो ऐसे सवालों में पहला का जो वैल्यू है 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहला सवाल किसके लिए भाई, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो वैल्यू आता है, हम सीखे हुए हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो वैल्यू आता है वो F-X का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। आपको याद भी करवाए होंगे हम कि भाई चार ही तरह का तो सिचुएशन होता है, एक इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। यहां पर क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप थ्योरी की बातें याद कर लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब F-X का वैल्यू 0 से बड़ा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे क्या करना है,
एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। अब जरा इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि एफ एक्स का तो वैल्यू सवाल में दिया है ना, और हम पहला को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करो क्या मिलेगा, टू टू जा फोर एक्स, टू टू जा फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो। जैसे आप बराबर वाले साइन में यूज करते हो कि माइनस से उधर गया प्लस हो जाता है, इसमें भी वैसे ही होता है, 4x ये माइनस से उधर गया क्या बन गया प्लस, ठीक है। अब इधर x के बगल में क्या है चार, तो चार गुना में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में होगा, तो x 3/4 साइन उधर का ही रहेगा। अब जो है आपको एक रूल्स आपको बताया है, क्या रूल्स बताया है पिछला दिन, क्योंकि आपको तो याद नहीं होगा, ये गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। तो यहां पे रूल देख लो, अगर सवाल हम कल बोले थे कि पहला सवाल अगर x का वैल्यू a से बड़ा होगा तो इसको कैसे लिखना है भाई, तो इसको लिखना है a से लेकर इंफिनिटी तक, ऐसे लिखने के लिए हम बताया हुआ है। याद आया कुछ, नहीं याद आया तो और कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। तो वैसे ही फार्मूला पर ए आ चुका है, ऐसे ही फार्मूला पर ये आ चुका है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया आपको पहला का आंसर, ठीक है। तो सभी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से है, क्योंकि सबसे पहली बार हम लोगों को ये चीज मिल रहा है तो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उतना भी नहीं होना चाहिए जितना आप सोच पा रहे होंगे, क्योंकि सब चीज है। देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है, सवाल बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालो, तो इसी को ना भाई इंटरवल कहते हैं। हम लोग तो पढ़े ना पिछले थ्योरी में कि ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। हम लोग ये भी रूल सीखे कि ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना है, तो किस लिए सीखा, यूज करने के लिए ना। अब तुम ये चीज अच्छा से याद ही नहीं किया, क्योंकि ये सब तो याद करना जरूरी है भाई, अगर याद नहीं करेगा यहां दिक्कत होगा, कैसे लिख दिया फट से, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो ए नंबर का सवाल का ये आंसर हो गया, अब जरा हम लोग चलते हैं बी नंबर सवाल के लिए। तो यहां बी करना होगा, यहां बी कर देते हैं। बी में क्या बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहां पर डिक्रीजिंग करना होगा, ठीक है, देखते जाइए सब कुछ। और डिक्रीजिंग के लिए क्या रूल होता है, ऐसे ना, अगर अस्ट्रिक्टली नहीं होता दोस्तों, सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो यहां पे ऐसे सटा देते, क्योंकि उसमें इक्वल होता है, लेकिन अस्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ छोटा होता है। तो एफ डैश एक्स का करेंगे, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इसी का ना, क्योंकि एक ही एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसी के लिए दोनों को मान निकालना है, तो अभी भी तो एफ डैश एक्स का वैल्यू वही आएगा, क्योंकि सवाल तो एफ एक्स में वही है, लेकिन बस साइन जो है चेंज कर देंगे, सब चीज वही रहेगा। आप ऐसा नहीं भूलो कि सर अगर साइन ऐसे चेंज कर दिया तो माइनस फिर भी उधर जाएगा तो प्लस में होगा, हाँ भाई होगा, कभी भी देखो बड़ा रहे छोटा रहे बराबर रहे तो वो सब रूल नियम चेंज नहीं होता, वो सब का वही रहता है, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर फोर एक्स है तो फोर गुना में है तो फोर भागा में चला जाएगा, ये सब रूल वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये सब चेंज हो जाएगा। अब तुम जब ऐसा चेंज कर लिया तो अब इंटरवल तो तुम्हारा दूसरा आंसर आएगा, क्योंकि इंटरवल हमको पता करना है, इंटरवल क्या होगा, तो ये रूल पे आ गया। तुम दूसरा रूल निकाल कर देखो कि अगर x का वैल्यू अगर ऐसे रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से a, ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा आंसर में माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो सब चीज जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से है, अब दूसरा का ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का तीसरा वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, समझ पा रहे चीजें कैसी है, बहुत आसान है, आपको बस इंटरवल याद रख लेना चाहिए, क्योंकि इंटरवल याद रहेगा तभी आप ऐसा सिचुएशन से ये इंटरवल कर पाएंगे, क्योंकि यही सब चीज को बोलते हैं इंटरवल, और हम इंटरवल के बारे में
पहले पढ़ चुके हैं इन थ्योरी एक्सरसाइज 6.2 के थ्योरी में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा सॉरी सवाल कौन था सर था ये था 1 2 3 4 सवाल था ना ये सॉरी 4 सवाल था ये। चलिए 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि याद नहीं था तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था देख लीजिएगा गलती से तीसरा लिखा गया 5th नंबर पे आते हैं क्योंकि ये 4th क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड ठीक है थर्ड है ये सब हो गया 4th भी हो गया अभी 5th पे आते हैं 4 नंबर था जस्ट सुधार कर लीजिएगा। चलिए अब जरा दूसरा नंबर भी वही क्वेश्चन है दूसरा नंबर भी वही क्वेश्चन है भाई क्या बोल रहे क्वेश्चन जरा दिखाते हैं क्योंकि देखिए अगर बात किया जाए ना तो 4th, 5th, 6th, 7th सभी सवाल जो है ना एक जैसे हैं सवाल में कोई अंतर है नहीं सिर्फ एफएक्स का वैल्यू बदला है रूल नियम वही है चलिए विश्वास नहीं है तो हम आगे के क्वेश्चंस को आपको करके दिखाते हैं ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिए किताब है आपके पास तो निकाल लीजिए बोल रहा है फाइंड द इंटरवल वाह भाई 5th नंबर में भी बोला कि आप क्या करो इंटरवल निकालो तो ये इंटरवल जैसे ही बोल गया होगा ना उसको दिमाग में घूमने लग रहा होगा कि सर इंटरवल तो याद ही नहीं किया है तो फिर तो तुम गया बाबू इंटरवल याद कर लेना जरूरी है क्योंकि इंटरवल क्या करना है निकालना है। अच्छा इसमें भी इंटरवल निकालना है कब जब गिवन है गिवन क्या भाई तो एफएक्स का वैल्यू क्या एफएक्स का वैल्यू जरा देख लेते हैं इसमें जो एफएक्स का वैल्यू है 2x³ - 3x² माइनस में 36x प्लस में 7 ठीक है। अब इंटरवल तो निकालना है जैसा कि सवाल देख रहे हैं आप एफएक्स का वैल्यू दे दिया है कोई बात नहीं भाई। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो चीजें दी गई है एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सवाल देख रहे थे ठीक है तो दो सिचुएशन है एक ए नंबर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और दूसरा नंबर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ठीक है देखना जरा सवाल ये कैसे करते हैं। अब ए नंबर का जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे किसके लिए भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप यहां लिखेंगे 4 स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको याद होना चाहिए कि अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हैं ना तो यहां पे लगा दो भाई फट से एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा ये तो फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या जरूरत है तो एफ डैश एक्स जरूरत है तो तुम ये लाओगे कहां से भाई एफ डैश एक्स लाओगे कहां से तो एफ डैश एक्स हम जो लाएंगे एफएक्स चलाएंगे क्योंकि एफएक्स का मतलब दिया गया फंक्शन और एफ डैश एक्स का मतलब उसका एक बार डिफरेंशिएशन चलो इसका कर लेते हैं एक बार डिफरेंशिएशन क्या होता है तो एफ डैश एक्स का मतलब कि जो गिवन फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब 2x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा क्योंकि अब हम लोग बचपना थोड़ा ना रहा कि भाई dx³/dx लिखो फिर ये वो करो नहीं अब तुमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना होगा वो dx/dx किसके रिस्पेक्ट में फलना चलना हटा दो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऐसा सोचो दिमाग में 2 है 2 तो कांस्टेंट ऑलरेडी निकल जाएगा x³ का क्या बनेगा 3x² तो 3×2 जा तो 6 बनेगा एक्स के पावर एक घट जाएगा तो यहां पर डायरेक्ट हम लिखते हैं 6x² इसका होगा फिर माइनस 3×2 = 6 एक्स का पावर कितना बनेगा एक सिंगल माइनस का फिर से बनेगा माइनस 36x का क्या बनेगा 36 और ये साइन है कर दिया। अब तुम देख पा रहे हो यहां पे
क्या कॉमन है भाई? 6, 6, 36 में क्या कॉमन हो सकता है? तो आप देख पा रहे होंगे 6 से 6 कॉमन है, क्या बन रहा होगा यहां पे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 हो गया, होगा ना? होगा बिल्कुल। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई? तो इसको लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। और ये गुना में है और जैसे ही भागा में जाएगा तो 0/6। हम लोग जानते हैं ना, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, यानी कि हम बोलना ही चाह रहे ऊपर में जीरो रहेगा, नीचे में कोई भी नंबर रहेगा, 2 रहे 8 रहे 10 रहे, उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ये रूल है। तो यहां पे क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो अजीब सा आ गया है, क्या करना होगा इसके लिए? तो भाई जितना तुम इंटरवल का रूल्स पढ़े हो, जितना इंटरवल का रूल्स पढ़े हो, अब उस फार्मूले पे तुम्हें तोड़ना होगा। क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो उस फार्मूले पे तोड़ने के लिए अब करेंगे क्या, क्या करेंगे भाई? तो इसका गुणनखंड तो करने आता होगा, गुणनखंड यानी कि फैक्टर तो तोड़ सकते हैं, और इसका फैक्टर तोड़ेंगे तभी हम लोगों का फार्मूला पे भी आएगा। जरा देखिए कैसे। तो इसको हम लोग तोड़ दिए कैसे? तो x, ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ दिए ऐसे, x स्क्वायर का x स्क्वायर रखे, इस x को 2x और माइनस 3x में ब्रेक कर दिया, इस x को 2x और माइनस 3x में ब्रेक कर दिया। अभी तो वही ना बचेगा, 3x में से 2x घटेगा तो माइनस में x, और माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इसके बाद तो ना तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या किया जाए कि इंटरवल के फार्मूला पे आ जाए। देखते चलो अभी, ठीक है। तो इसको हम गुणनखंड करने वाले हैं। यहां से क्या क्या कॉमन निकल रहा है भाई? x कॉमन निकल रहा है, x निकाल दो, क्या बच रहा है यहां पे? x प्लस 2। यहां पे क्या बच रहा है? यहां पे आप देख पा रहे होंगे माइनस 3 कॉमन हो रहा है, माइनस 3 क्या बच रहा है? x प्लस 2 बच रहा है। फिर क्या है उधर? ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। जब इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा? यहां बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 3, गुणनखंड कर दिया, बन गया 0, ठीक है। अभी तक के तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब हम लोग आते हैं कि इसके बाद कि सर आपने जो फार्मूला पढ़ाया था वो फार्मूला कुछ इस तरीके से था नहीं, आप तो फार्मूला पढ़ाए थे वो ये था, x माइनस ए एक्स माइनस बी जब 0 से छोटा बड़ा रहता है तब का फार्मूला था। और जरा टाइम देते हैं कि x माइनस ए और x माइनस बी 0 से जब बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पहले, कि x माइनस ए और x माइनस बी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? x माइनस ए, फिर से बोल रहे, x माइनस ए और x माइनस बी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है, सिर्फ बड़ा बोला जा रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या देखते थे कि इसका जो रूल्स होता था वो ऐसे होता था, x लेस देन ए एंड x ग्रेटर देन बी, ये होता था फार्मूला। क्या होता था भाई? x लेस देन ए एंड x ग्रेटर देन बी, ये फार्मूला होता था, ठीक है। तो भाई अब आप तो सर ये फार्मूला हम लोगों को बताया है, अब ये फार्मूला पे तो है नहीं यहां पे, ये तो x प्लस ए है और x माइनस बी है, फार्मूला पे तो है नहीं। देखिए यहां के बाद
आपको जो करना होता है काम अपने तरीके से, अपने से सोच के कुछ ऐसा तरीका लाना होता है ताकि वो इनक्वालिटीज इंटरवल के रूल्स नियम पे आ जाए, ठीक है। इतना आपको सोचना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा कि कैसे करे कि इंटरवल के रूल पे आ जाए, ठीक है। मैंने क्या करा, एक आइडिया लगाया कि अच्छा ठीक है भाई, ऐसा तो फार्मूला होता है, तो क्यों ना इसको x इस प्लस टू को माइनस माइनस टू में ब्रेक कर दिया। देख पा रहे होंगे x प्लस टू था ना, तो x माइनस माइनस प्लस टू में ब्रेक कर दिया, और इधर तो x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। तो अब हो गया a का वैल्यू कितना माइनस टू, d का वैल्यू कितना थ्री। तो यहां पे हम ऐसा अगर तोड़े तो a का वैल्यू हो गया माइनस टू, b का वैल्यू हो गया थ्री। तो x माइनस b का वैल्यू जीरो से बड़ा रहता है, तो x ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, तो कुल मिलाकर इसको कैसा लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे अब यहां के बाद कि a का तो वैल्यू माइनस टू है, तो x माइनस टू एंड एंड इसको कैसे लिखेंगे, तो b का वैल्यू कितना है थ्री, तो x थ्री, ठीक है। अब ऐसा चीज अगर आ गया तो अब हम लोग इससे भी लिखना सीखे हैं कि माइनस टू रहता है तो क्या लिखते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, ऐसा इंटरवल रहता है तो ऐसे लिखते हैं। एंड अगर ऐसा एक्स के तरफ मुंह खुला है, एक्स के तरफ मुंह खुला है तो थ्री और इंफिनिटी इधर लिखते हैं, एक्स के तरफ छोटा रहता है तो माइनस इन्फिनिटी, एक्स के तरफ बड़ा रहता है तो पहले नंबर लिखते हैं तब इन्फिनिटी लिखते हैं। तो ये रहा पहला का आंसर, किसके लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अब बी नंबर सवाल क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए इसको तो हम लोग, आप ए का सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मिटाने का व्यवस्था है तो हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, यहां इंक्रीजिंग की जगह पर लगा दिया क्या डिक्रीजिंग, तो यहां पे डिक्रीजिंग हो गया। अब डिक्रीजिंग के लिए क्या फार्मूला है, डिक्रीजिंग के लिए आप देख पा रहे होंगे कि फार्मूला होता है यहां पे छोटा, ठीक है। तो यहां पे भी छोटा कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे भी छोटा करते चला गया, छोटा छोटा करते चला गया, ठीक है। सवाल मेरा बन रहा होता है, ये सवाल बन गया इतना तक, ए भी बन गया, ए भी बन गया। लेकिन अब जो है यहां पे मामला गड़बड़ है, क्योंकि अब जो यहां पे फार्मूला है वो कुछ दूसरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि फार्मूला पहले दिखाते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी जब जीरो से छोटा होता है ना भाई, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं, और फिर इसी से ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। तो चूंकि ये फार्मूला पहले हम लोग गुणनखंड तोड़े तो x प्लस टू और x माइनस थ्री आया, तो इसी प्लस को माइनस, चूंकि फार्मूला में तो x माइनस ए है x माइनस बी है, इसी माइनस को लाने के लिए इसको प्लस को ब्रेक कर दिया माइनस माइनस में, माइनस माइनस प्लस टू। तो हालांकि यहां पे a का वैल्यू कितना हो जा रहा है माइनस टू, और b का वैल्यू सिर्फ थ्री, माइनस थ्री नहीं, क्योंकि माइनस तो फार्मूला में ही है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो होता है, ऐसा रहता है फार्मूला, तो ऐसा लिखते हैं। तो यहां से कैसे लिखेंगे, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है माइनस टू, ठीक है, फिर एक्स, फिर बी का वैल्यू कितना थ्री। तो जब ऐसा अगर हो गया तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग, इसलिए इसका जो इंटरवल आएगा वो माइनस टू और इस तरीके से आंसर आता है। तो हम लोगों का पांचवा का दोनों सवाल, यूं बोले तो पांचवा का ए एंड पांचवा का बी दोनों हम लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे सवाल पे, और छठा को हम सॉल्यूशन करके बताएंगे कि कैसे बनाना है और उसका इंटरवल कैसे निकालना है। इन चीजों, इन सारे क्वेश्चन को समझने के बाद चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर छह। आप देख पा रहे होंगे कि छठा में
देख पा रहे होंगे छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल, यानी कि इंटरवल निकालना है किसके लिए भाई, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, यानी कि दोनों ही के लिए आपको इंटरवल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि छठा में जितना भी क्वेश्चंस है सब में क्या करना है आपको, इंटरवल निकालना है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होगा, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होगा, राइट नाउ। यानी कि हर क्वेश्चन में आपका दो आंसर आने वाला है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए देखते हैं छठा सवाल में कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। छठा का ए सवाल है, गिवन एफएक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफएक्स का वैल्यू कितना दिया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। अब इसको जो है बारी बारी से सॉल्व करना है, इसका जो इंटरवल निकालना है, इंटरवल निकालना है दोनों चीजों के लिए निकालना है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो हम बारी बारी से चल रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है एफ डैस एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यही ना। तो चलो सबसे पहले एफ डैस एक्स का वैल्यू निकालो, यहां से एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, टू एक्स, प्लस टू एक्स का टू, और माइनस फाइव का तो जीरो, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो, ऐसा बनेगा। हम लोग क्या देखें कि ये जो टू है कॉमन कर सकते हैं भाई, तो एक्स प्लस वन होगा, और यहां पे हम लोग क्या देखें कि टू जो है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन जीरो भागा दो, तो यहां बन जाएगा एक्स प्लस वन जीरो, ठीक है। और जब ये प्लस वन है उधर जाएगा तो एक्स माइनस वन। अब ये तो फार्मूला पे है, याद होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू तरफ अगर मुंह खुला रहता है तो इसको लिखते हैं पहले नंबर यानी कि ए और फिर इन्फिनिटी, उसी तरीके से ए के जगह पे कितना है यहां पे, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा माइनस वन और फिर इन्फिनिटी। तो पहला का आंसर एक तो ये हो जाएगा, ये आंसर किसके लिए है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है। फिर इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा फोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि इसके नीचे, और हम जो है इसी में सुधार कर देते हैं, इंक्रीजिंग का जगह पे डिक्रीजिंग बना देते हैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए जो फार्मूला है वो एफ डैस एक्स जीरो से छोटा, तो यहां पे भी जीरो से छोटा होगा एफ डैस एक्स। देखिए आप इन चीजों को है ना उसके नीचे बनाइएगा, समझ रहे ना बात को, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन के लिए आंसर लाना है। तो यहां पे मैंने कर दिया ये, सब चीज वही रहेगा। अच्छा अब ये हो गया, तो अब हम लोग रूल पढ़े ना कि एक्स के तरफ अगर छोटा रहता है तो माइनस इंफिनिटी से ए लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे अब आंसर, इसलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, क्योंकि ए का तो वैल्यू माइनस वन है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छठा का ए का दो आंसर हुआ, एक हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए निकाले, फिर इसी में हम चेंज कर दिए हैं, आप इन चीजों को दोबारा निकालिएगा उसके नीचे, ठीक है। तो कुल मिलाकर छठा का ए हम सवाल को सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब छठा की जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए, ये अलग बात है कि नहीं बन पाया या फिर आंसर नहीं आ रहा है, फिर हम सपोर्ट करेंगे, हम उन चीजों को बनाएंगे, उन सवालों को बताएंगे, तो आप बिल्कुल हार नहीं मानिए, इन चीजों को करते रहिए, दो दो आंसर सब में आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें सब आपका टेस्ट हो जा रहा है, डिफरेंशिएशन इनइक्वालिटीज इंटरवल सब चीजें चेक हो जा रही है, तो आप थोड़ा सा संयम बरतते हुए सावधानी पूर्वक कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगर छठा के और जो बाकी चार क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर हम अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर हम सातवें नंबर क्वेश्चन से
आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।